प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास राजकुमार, आज प्रातःकाल इस वचन मनन में सब प्रिय भाई बहनों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, और इस बात से भी मैं आनंदित हूं कि आप परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं। इसलिए हर दिन इस वचन को सुनने के लिए आप उत्सुक होते हैं। आप इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, आने वाले दिनों में परमेश्वर इस सेवकाई को और आगे बढ़ाए और बहुत से देशों में बहुत से लोगों के लिए ये वचन एक आशीष का वचन बन जाए। आप और मैं, हम एक बनाने वाले हैं। हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। हम चाहे घर बना रहे हों, चाहे अपने परिवार बना रहे हों, चाहे किसी न किसी रूप में। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम किस तरह से बनाएं। भजन संहिता 127, उसको हम जब मनन करते हैं, उसके पहले वचन में हम पढ़ते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। इस भजन को जब हम पढ़ते हैं, हम समझ पाते हैं परमेश्वर के बिना किया गया निर्माण व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं। और ये जो भजन है, सलोमोन को समर्पित किया गया है, उसके द्वारा लिखा गया है। परंतु ऐसा माना जाता है कि सलोमोन का पिता दाऊद की सलाह पर उसने ये लिखा है। बुद्धिमानों का बुद्धिमान सलोमोन, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे बुद्धि चाहिए, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। परंतु उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसने परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय अपनी बुद्धि पर भरोसा करना प्रारंभ किया। और जब ये उसके पिता दाऊद को समझ में आया तो दाऊद उसे सलाह दे रहा है, क्योंकि दाऊद को मालूम है कि सलोमोन एक बनाने वाला भी है और एक पिता भी है। सो इस भाग में हम इन बातों को समझेंगे कि बनाना कैसे सफल होता है और बच्चों को किस प्रकार हम बना सकते हैं। और इस भाग को जब आप पढ़ेंगे तो यह भी समझ में आएगा कि यह शायद इसराइलियों के वापस यरूशलेम में आकर बसने की समय की अवस्था है। क्योंकि जब आप नहमिया की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 वचन को और 7 अध्याय उसके 3 वचन को जब आप पढ़ेंगे, नहमिया 4 अध्याय उसका 9 वचन इस प्रकार कहता है, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध रात दिन पहरुए ठहराए। और उसके 7 अध्याय के 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और मैंने उनसे कहा कि जब तक धाम कड़ा ना हो तब तक यरूशलेम के फाटक ना खोले जाएं, और जब पहरुए पहरा देते रहें तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाए जाएं, फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। और 4वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, नगर तो लंबा चौड़ा था परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। मानो एक ऐसी परिस्थिति इसराइलियों की, जो यरूशलेम में जब आए, शहरपनाह टूटा हुआ, फाटक जले हुए, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। उस समय के लिए भी ये वचन मानो बहुत ही सार्थक प्रतीत होता है। क्या कहता है भजनकार? भजनकार कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यानी घर को मनुष्य ना बनाए ऐसा नहीं लिखा है, मनुष्य परिश्रम ना करे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि घर को यहोवा भी बनाए। यू नो, हम सब बनाने की प्रक्रिया में हैं।
हम अपने परिवारों का निर्माण कर रहे हैं, घरों का निर्माण कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, अपने कैरियर का निर्माण कर रहे हैं, अपनी नौकरियों में हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज प्रातःकाल ज्ञानियों के ज्ञानी सलोमोन से हम ये शिक्षा पाएं, जिसने इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दिया। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहां सोलोमोन का नाम नहीं है उस विश्वास के योद्धाओं की लिस्ट में। बुद्धिमानों का बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर भरोसा करने लगा, लेकिन मानो दाऊद उसे कह रहा है, सोलोमोन तू बहुत बुद्धिमान होगा, लेकिन जब निर्माण की बात आती है तो तुझे परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा, प्रभु यीशु पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने घर को उस प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, जब आप अपने परिवार को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, जब आप अपने भविष्य को, अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, वो जब बनाएगा, वो अर्थ रखेगा, वो उत्तम होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु बनाने वाला है। अगर आप मरकुस की सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 3 वचन को जब आप देखेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु के लिए लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या ये वही बड़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र है? यानी हमारा प्रभु अपनी सार्वजनिक सेवकाई में आने से पहले अपने पिता के साथ लकड़ियों के निर्माण का कार्य करता था। और मैं आपको एक अच्छे बड़ई की खासियत में आपको बताता हूं, जो लकड़ी का टुकड़ा औरों को बेकार नजर आता है और उसमें कुछ देखते नहीं है, उनको लगता है सिर्फ जलाने के काम आएगा, लेकिन एक अच्छा बड़ई उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर की खूबसूरती को पहचान कर, जब उसे तराश कर अपने हाथों के कौशल से जब उसे बनाता है, तो जिसने सोचा था ये जलाने के ही काम आ रहा है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को भी ऐसे ही बनाता है। जब हम किसी काम के प्रतीत नहीं हो रहे थे, जब लगा सबने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब यही जीवन प्रभु यीशु के हाथ में आ जाते हैं, तो चूंकि वो एक निर्माण करने वाला है, उसे मालूम है कि इसके अंदर कितनी क्षमता है, वो इससे बनाना प्रारंभ करता है। और आप देखिए रोमियो 15 अध्याय उसके 20 वचन में, वहां भी पौलुस भी इस बात को कह रहा है कि वो किसी और की नींव पर ना बनाए, यानी वो भी अपने आप को एक बनाने वाले के रूप में देख रहा है। प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन को बनाएं, हम अपने घरों को बनाएं, हम परमेश्वर की कलीसिया को बनाएं और हमारे चारों ओर परमेश्वर के राज्य को बनाएं। और इस बनाने की प्रक्रिया में जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसका निर्माण एक बहुत ही उत्तम और एक बहुत ही खूबसूरत होता है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर आपको लगने लगा है कि आपका जीवन, आपका परिवार वो नहीं रहा जो आप चाहते थे, आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत परिश्रम किया, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और आपको लगने लगा मानो पतंग आपके हाथ से छूट गई है, मानो समय आपके हाथ से निकल गया है, तो आज इस प्रातःकाल मैं आपको एक बार फिर से प्रोत्साहन देना चाहता हूं, आज भी एक अच्छा निर्माण करने वाला आपके पास खड़ा हुआ है। अगर आप अपनी बुद्धि, अपने परिश्रम और अपने कार्यों को उस पर भरोसा न रखते हुए उस परमेश्वर की बुद्धि, उसके निर्माण, उसके कार्यों पर भरोसा रखकर अपनी हर बातों को उसके हाथ में समर्पित कर दें, तो वो जो बनाएगा वो खूबसूरत होगा। प्रियो, वो खूबसूरत होगा। अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में सौंपे, अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में सौंपे, अपने बच्चों के भविष्य को प्रभु के हाथों में सौंपे, अपने घर को प्रभु के हाथ में सौंपे, वो खूबसूरत बनाएगा,
वो अच्छा बनाएगा, क्योंकि वो बनाने वाला है। आज भी वो हमारे लिए बना रहा है, हमारे लिए अनंत धाम बना रहा है, वो बनाने में सक्षम है। आपके जीवन को, आपके बच्चों के जीवन को, आपके परिवार को, आपके घर को, आपकी कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य को, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ निर्माता है। क्या उसके हाथों में हम अपने आप को समर्पण करेंगे? आज टूटे हुए प्रियजन जिनके जीवन शायद टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो बनाने वाला है जो टूटे हुए बर्तन को भी वापस अपनी कल्पना से एक खूबसूरत बर्तन बना सकता है। चिंता मत कीजिए, अभी भी देर नहीं हुई, उसके हाथ में समर्पित कीजिए। यहोवा परमेश्वर को, प्रभु यीशु को आपका जीवन, आपका घर बनाने दीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आज हम ये समझ पा रहे हैं प्रभु, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज बहुत से भाई बहन अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गए होंगे जहां पर उन्हें ये लगने लगा है कि अरे, हमने जो सोचा था वो नहीं रहा, हमने तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी लेकिन सब टूट गई, बिखर गई। लेकिन आज हम फिर से आपके हाथों में उन्हें समर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप उन्हें अब फिर से बनाना प्रारंभ कीजिए, सुंदर बनाना प्रारंभ कीजिए, उत्तम बनाना प्रारंभ कीजिए। और आप हमसे प्रेम करते हैं और आप ऐसा करेंगे प्रभु। धन्यवाद, इस प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से मांगता हूं पिता। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।